लोकसभा चुनाव का बज चुका है बिगुल। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने दमदार उम्मीदवारों को इस चुनावी समर में उतार रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने मेरठ से अभिनेत्री नगमा को उतारा है। मैं उनसे जानना चाहूंगा मैडम, कितना चैलेंजिंग होगा आपका ये? देखिए, चैलेंजिंग तो हर एक जो भी प्रत्याशी होता है उसके लिए हमेशा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी चैलेंजिंग होती है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद से और यही सोच के जाना है कि हमें जीतना है और हमें लोगों के बीच में जाना है, काम करना है लोगों के लिए और एक कमिटमेंट से काम करना है। तो अब वो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। सारे पार्टीज अपने अपने प्रत्याशी को उतारते हैं, लोगों को जिनकी बात खरी लगती है, लोगों को जो सही लगता है फिर लोगों से जिताते हैं। तो ये सारी चीज़ों से डरना नहीं चाहिए कि कितना बड़ा चैलेंज है, सामने कौन है, ये सारी चीज़ें एक उस पर वर्किंग जरूर होती है, लेकिन उसे भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी उम्मीद लेके जाना है, हमें अपना एजेंडा लेके जाना है, हमें अपनी पॉलिसीज लेके जानी है लोगों के बीच में और लोगों को तय करना है कि वो किसको वोट देना चाहते हैं। क्या आप मानती हैं कि मेरठ से जो आपको जो है टिकट मिला है वो सही है? देखिए, ये हाईकमान तय करती है और मुझे बहुत मैं तहे दिल से हाईकमान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे मेरठ के लिए प्रत्याशी चुना है और मैं पूरी तरह से मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं पूरी तरह से उस पर खरी उतरूं और मेरी पूरी कोशिश होगी, पूरी मेहनत होगी, पूरी मुशक्कत होगी, बाकी तो लोगों के हाथ में होगा। कांग्रेस की जो इस चुनाव में जो है नाव है, थोड़ा सा डामाडोल है उसकी स्थिति, इससे आप कैसे निपटेंगी? देखिए, कांग्रेस 125 साल से भी ज़्यादा पुरानी पार्टी है और ऐसे कई इलेक्शन लड़े गए हैं और कई सवाल खड़े हुए हैं पास्ट में भी, और उससे हम कभी पीछे नहीं हटे हैं। कांग्रेस पार्टी कभी पीछे हटी नहीं है, सबका पार्टी का अपना एजेंडा रहता है। हाँ, लोग हर एक चीज को, जो ये पार्टी ने किया है मुझे नहीं लगता कि किसी भी पार्टी ने इस देश के लिए किया है, चाहे वो आरटीआई हो, चाहे वो फूड सिक्योरिटी हो, चाहे वो राइट टू एजुकेशन हो, चाहे वो लोकपाल बिल हो, चाहे वो कितनी भी चीजें हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी के वक्त से इस हिंदुस्तान में सबको एक साथ में एकजुट लाने की बात हो, या फिर इंदिरा जी की हरित क्रांति हो, या फिर जो इसने इस देश को दिया है। हाँ, कुछ चीजें होती हैं, ग्लोबली रिसेशन हुआ है, ग्लोबली प्राइस राइज हुआ है तो उसमें इफेक्ट होगा, लेकिन बीजेपी के सरकार से भी ज्यादा ग्रोथ रेट अगर हम देखेंगे तो जो कांग्रेस ने ग्रोथ रेट दी है वो बीजेपी की सरकार और उनके रेजिम से ज्यादा रही है, सबसे लो पे भी। मेरठ जैसे शहर में आप किन किन मुद्दों पे और किन किन वादों के साथ जो है आप चुनाव समर में उतरेंगे? देखिए, अभी तो हम जा रहे हैं अपने क्षेत्र में और वहीं पर हम जो भी हैं वो लोगों से बात करेंगे, बोलेंगे, उनकी समस्याओं को भी समझेंगे और जैसे कि आप जानते हैं कि प्रत्याशी को भी पता नहीं होता कि उसे कहाँ से हाँ, ये है कि एक आर्टिस्ट जब होता है, कलाकार होता है, जब उनको उतारा जाता है तो एक अलग रणनीति होती है, एक अलग ये होता है। हम पार्टी के सिपाही होते हैं तो हमें जहाँ से भी पार्टी कहती है कि हमें उतरना है, हमें जाके वहाँ से उतरना है, क्योंकि पार्टी हमें उस काबिल समझती है, सोचती है। लेकिन हाँ, हम आर्टिस्ट जरूर हैं, हम कलाकार हैं, इसलिए लोग हमें पसंद करते हैं, लोगों से हमारा दिल का रिश्ता है, लेकिन बेसिक मुद्दे जो होते हैं जैसे बिजली, पानी, यू नो, सड़क, ये सारे जो मुद्दे होते हैं और इसके अलावा जो भी वहाँ का लोकल मुद्दा होता है, जो भी वहाँ के लोकल इश्यूज होते हैं, उसको तो हम लेके जरूर उस पर बात करेंगे और वहीं पर आप सब देखेंगे। एक अंतिम सवाल है, जैसे आपके नाम का घोषणा हुई उम्मीदवारी कीजिए, वैसे विरोधी पार्टियों ने जो है एक सवाल खड़ा कर दिया है कि नगमा जी का जो है गुटखा जैसे कांडों में जो है नाम आया और जो है अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा सकील के लोगों ने कुछ 10 लाख रुपए तक आप तक पहुंचाए थे, अभी ये सब बातें शुरू हो गई, इस पे आप क्या जवाब देंगे? देखिए, बोलते ना, कुछ तो लोगों का कहना है, लोगों यू नो, लोगों का काम है कहना और लोग कहते रहेंगे। ये जब किसी के ऊपर कोई झूठा आरोप होता है, जैसे आर्टिस्ट होते हैं तो कोई भी कुछ भी कह सकता है उनके ऊपर, लेकिन जब तक वो आरोप किसी पे साबित नहीं हो जाते या सिद्ध नहीं हो जाते, कोई भी कल को खड़ा होकर कुछ भी कहेगा
कि हमारा इसके साथ में कुछ है, हमारा इसके साथ में, लेकिन कानून है, कायदा है इस देश में, बिना कानून के बिना कायदे के कुछ भी नहीं चलता। तो किसी के कुछ कह देने से हम थोड़ी ना उससे हिल जाएंगे या डगमगा जाएंगे। आज इतना सीईसी बैठा है, हमारा जो कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है, अगर ये लोग बैठते हैं तो इतनी ऐसे माहौल में जब एक एक प्रत्याशी पर छानबीन की जा रही है कि उनपे कुछ केस है, उनपे कुछ आरोप है या उनपे कोई किस्म का प्रॉब्लम है, तो उस प्रत्याशी को फील्ड में नहीं उतारा जाएगा। तो उसी तरह से हम पर भी ये बात देखिए, पिछले 10 साल से हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी में काम कर रहे हैं, पिछले 10 साल से पार्टी के स्टार कैंपेनर हैं, और ऐसी बात तो कभी नहीं आई, कहीं नहीं आई। तो ऐसा क्यों होता है कि जो लोग वाकई में, जो लोग नहीं चाहते कि हम आगे बढ़े या हम जिंदगी में कुछ करें, वो हमारे साथ ही नहीं है। जितने भी लोग हैं जो कुछ दम हम रखते हैं या जिनमें कोई बात होती है, तो लोग उनके बारे में कुछ और कई बातें करते हैं। तो ये सारी बातें जो है वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं, इनमें कोई दम नहीं है। और अगर दम होता तो कभी हमें पुलिस भी बुलाती, कभी हम इनसे कुछ सवाल जवाब भी किए जाते, कभी हमसे कुछ पूछा भी जाता, तो ऐसे तो कभी हुआ नहीं है। तो जब कानूनी कोई कार्रवाई ही नहीं हुई है, तो मीडिया क्यों ये कार्रवाई चलाना चाहता है या लोग क्यों ये कार्रवाई चलाना चाहते हैं? और तब क्यों, जबकि हमें टिकट दी गई है, अब तक क्यों ये बात कभी नहीं आई? और जो जो नाम आप बोल रहे हैं वो तो आधे से ज्यादा नाम तो मैंने कभी सुने ही नहीं, इनके आरोप तो है भी नहीं मेरे ऊपर। तो ये जो आप बेबुनियाद आरोप मुझ पे लगा रहे हैं, ये आपने कभी छानबीन भी की है इस बारे में ये पूछने के पहले? ये मेरा आरोप नहीं है, ये विरोधी पक्षों का है, उन्होंने ऐसे सवाल उठाए हैं। ये थी नगमा, इनका कहना है कि कांग्रेस ने उन पर जो है बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, मेरठ से उन्हें टिकट दिया है, वो पूरी शिद्दत के साथ जो है चुनाव लड़ेंगी और विजयी होकर दिखाएंगी। राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, मुंबई।